हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सूफी मूवमेंट के बारे में। देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है रिलीजियस मूवमेंट्स, यानी धर्म से संबंधित जो भी आंदोलन हुए उनके बारे में पढ़ना है, जो भी चेंजेस आई वो सब पढ़नी है। तो इसमें तीन चीज़ें बनती हैं। एक तो आता है आपका सूफिज़म यानी कि सूफी मूवमेंट, दूसरा आता है भक्तिज़म यानी भक्ति मूवमेंट, और तीसरा आता है सिखिज़म यानी जो सिख आए है ना, उन सब के बारे में। तो तीन हमें इसमें सब टॉपिक्स रहेंगे, तो तीन वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले आता है सूफी मूवमेंट। तो देखिए, ये भी काफी शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थीम क्या था, इंडिया में कब आया, वो सब डालने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिलीव में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि अमीर खुसरो कौन सा सूफी ऑर्डर फॉलो करते थे, या फिर हम बात करें दारा सिकोह कौन सा करते थे, औरंगजेब कौन सा करते थे इंपॉर्टेंट सूफी ऑर्डर को फॉलो, तो वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो बस पेपर पेन उठा लें, नोट्स बनाना मेंटेन करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक बार आपके इस टॉपिक के नोट्स बन गए, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन मेनली यहीं से आता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि सूफी मूवमेंट क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सूफी मूवमेंट में जो वर्ड है सूफी, ठीक है, ये एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है, ये डिराइव किया गया है अरेबिक वर्ड से, इसका मीनिंग है वूल। वूल तो आप समझते हैं ना, है ना। सो वो सारे मुस्लिम्स जो पहनते थे गारमेंट्स ऑफ कोर्स वूल, वूल के, उनको कहने लगे सूफी संत, जो धार्मिक हिंदू थे, सॉरी धार्मिक मुस्लिम थे। मुस्लिम से ये जो सूफी मूवमेंट है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ मुस्लिम, वैसा वैसा ही है ये। ठीक है, इसमें आगे आएगा भी कि जो इंस्पिरेशन इनको मिली है वो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म से मिली है। ठीक है, सो इट एंटर्ड इंडिया 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी के आसपास आया, पॉपुलर हो गया 13वीं सेंचुरी में। ठीक है, मेन थीम इनका क्या था, इनका मेन थीम था वहादुत उल वाजूद। वहादुत उल वाजूद का मतलब है यूनिटी ऑफ गॉड। ठीक है, फर्स्ट डिवॉल्व, सबसे पहले सूफी मूवमेंट कहाँ डिवॉल्व हुआ, इराक में डिवॉल्व हुआ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं वो बीच से। द फर्स्ट सूफी संत वॉज, फर्स्ट सूफी संत थी कौन थी, बेगम रबिया ऑफ बिशरा इन इराक। इराक में एक लेडी थी, वुमेन थी, बेगम रबिया। ठीक है, फिर आते हैं सूफी ऑर्डर्स। अब देखिए, टोटल 12 सूफी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, सिलसिला भी कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे अफगानिस्तान में। ठीक है, अब हम जानेंगे इनके फीचर्स क्या होते हैं, मतलब सूफिज़म क्या है, थोड़ा सा एक आइडिया। तो सूफिज़म डिराइव्ड इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इस्लाम, इनको जो इंस्पिरेशन मिली है वो इस्लाम से मिली है। तो एक तरह से आप कह लीजिए इस्लाम की ही ब्रांच है, इस्लाम जैसे ही कुछ कुछ है, इसमें भी कुरान का ही चलता है। जैसे जो इस्लाम में कुरान को मतलब रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं, तो इसमें भी कुछ वैसा ही है। इट एम्फेसाइज्ड अपॉन लीडिंग अ सिंपल लाइफ, इनका मानना है कि हमें बिल्कुल साधारण जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, सूफी सेंस सीक्स इनर प्योरिटी, वो मतलब जो मन की जो शुद्धता होती है ना, उसको ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर। डिवोशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रोज़ा और नमाज। रोज़ा मतलब जो फास्टिंग करते हैं इस्लाम में, नमाज मतलब जो प्रेयर करते हैं। तो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी भक्ति, आपकी डिवोशन, ये मानता है सूफी मूवमेंट। ठीक है, सालवेशन थ्रू लव फॉर गॉड, आपको मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा अगर आप, आपके दिल में प्रेम है ईश्वर के लिए। ठीक है, द सूफीज वर डिवाइडेड इंटू 12 ऑर्डर्स, इनके टोटल 12 ऑर्डर्स थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी, तो आप टेंशन ना लें कैसे ऑर्डर है, नेक्स्ट पेज पर आपको क्लियर हो जाएगा। दे डिडंट बिलीव ऑन सोसाइटल क्लासिफिकेशन सच एज कास्ट, कास्ट सिस्टम हो गया, सोसाइटी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन की गई थी उस सब पे वो बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो एक जनरल सा था इस पेज पे, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा समझाने वाला कुछ नहीं था। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, पेपर पेन हाथ में उठाएं और नोट्स बनाना स्टार्ट करें, बिकॉज एक बार नोट्स बन गए तो वो बहुत बहुत काम आएंगे आपके। तो फिलहाल आज इस पेज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट सूफी ऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है चिश्ती। चिश्ती के फाउंडर कौन थे, शेख अब्दुल चिश्ती। ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में किसके द्वारा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। इनकी दरगाह भी बनाई गई कहाँ पे, अजमेर में। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा तो आपको फाउंडर पता होना चाहिए, शेख अब्दुल चिश्ती, क्योंकि चिश्ती ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मेन डिसिपल थे इनके कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, किसके, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, अगर आपको याद हो, दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी में हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की याद में, और उसे कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, फिर उस पर बिजली गिरी थी वो,
उस टाइम किसने कंप्लीट करवाया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत मैंने बहुत चीख चीख के पढ़ाया है, बहुत हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मोस्ट फेमस सूफी संत। मोस्ट फेमस सूफी संत चिश्ती का कौन था? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। इनके डिसिपल कौन थे? अमीर खुसरो। तो अब इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी चिश्ती ऑर्डर को मानते थे, अमीर खुसरो चिश्ती ऑर्डर को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुहरावर्दी। तो सुहरावर्दी के फाउंडर कौन थे? सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके फाउंडर थे। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय भाउद्दीन। भाउद्दीन ने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। रिचेस्ट ऑर्डर, बहुत ज़्यादा मतलब अमीर ऑर्डर था, सारे अमीर अमीर लोग थे इसमें। दस सून बिकेम वेरी अनपॉपुलर, इसलिए बाद में धीरे धीरे चल के ये बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाकी के तीन ऑर्डर्स के बारे में। देखिए थोड़ा थोड़ा लिखा है, तो दो तीन तीन लाइनें इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर दौसिया, ये भी एक सूफी ऑर्डर है। ये है ओनली सूफी ऑर्डर विच वॉज फाउंडेड एंड डिवॉल्व्ड विद इन इंडिया। इकलौता ऐसा सूफी ऑर्डर है जिसको फाउंड भी यहीं पर किया गया, ये डिवॉल्व भी इंडिया में ही हुआ, इंडिया में ही रहा, इंडिया से बाहर ना गया, ना कोई लेके गया, ना ही इसकी फाउंडेशन स्टोर कहीं बाहर रखी गई थी। फाउंडर कौन थे? शराफुद्दीन थे। कन्फाइंड टू बिहार, बिहार में ही ज़्यादातर फोकस इसका रहा। मुलफ़ज़त लिटरेचर है टीचिंग्स ऑफ सूफी संत, जो सूफी संत थे उनके उनकी जो टीचिंग्स हैं वो इस लिटरेचर में है, मुलफ़ज़त में। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना कि जैसे कौन सा है वो इंडिया में ही बना, इंडिया में ही डिवॉल्व हुआ, फिर दोसिया है, रिचेस्ट ऑर्डर कौन सा है, सुहरावर्दी है, अमीर खुसरो किसके थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि अब इसमें से तो कहाँ ही क्वेश्चन आएगा, है ना। बाकी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहो, उससे बहुत आइडिया लगता है, अपने अपने स्टेट का हिसाब होता है। अब जैसे हमारे स्टेट में मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है, इन ऑर्डर से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ज़्यादा क्या मैंने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं, बट अब अपने अपने स्टेट की होती है ना सेटिंग, जो भी उनका होता है। नेक्स्ट आता है कादरी। और प्लस एक चीज़ और कि हाँ जी हमारे ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम पढ़ेंगे नहीं, वो चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कमीशन का अब देख लो कितनी बेरोजगारी हो गई है, लोग कितना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अब वो वहीं से डाल रहे हैं जहाँ से नहीं आते थे। अब जैसे मैं आपको अपने स्टेट की बात करूँ तो मुगल एम्पायर से क्वेश्चन आना ही आना है। अब मुगल एम्पायर में सुल्तानों या राजाओं से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा आर्ट एंड लिटरेचर, बिल्डिंग्स जो कि टफ होता है याद करना, या फिर बस पूरे एंशियंट मिडिवल में यही लिटरेचर वगैरह से ही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो बस अपनी रीच बढ़ाओ। नेक्स्ट आता है कादरी। मोस्ट सेक्युलर सूफी सिलसिला, सबसे ज़्यादा सेक्युलर होता है धार्मिक, मतलब धर्म से संबंधित, देख लेना आप इसका एग्जैक्ट, धर्म निरपेक्ष आई थिंक, देख लेना आप इसका जो एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है। बहुत ज़्यादा सेक्युलर था ये, फाउंडर थे शेख जिलानी कादरी। दारा सिकोह फॉलोड दिस ऑर्डर, दारा सिकोह जो थे वो फॉलो करते थे इस ऑर्डर को। फिर है नक्शबंदी। नक्शबंदी के फाउंडर कौन थे? शेख बिकाबुल्लाह। इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख पीर साई, औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब नक्शबंदी को मानते थे और दारा सिकोह जो है कादरी ऑर्डर को मानते थे। फिर है मोस्ट कंजर्वेटिव ऑर्डर। जितने भी हमने सूफी ऑर्डर्स पढ़े उनमें सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव था नक्शबंदी, सबसे ज़्यादा सेक्युलर था कादरी। ऐसा ऑर्डर इकलौता जो इंडिया में ही फाउंड किया गया, इंडिया में ही डिवॉल्व हुआ, वो था फिरदौसिया। रिचेस्ट ऑर्डर था सुहरावर्दी। अमीर खुसरो और कुतुबुद्दीन खाकी मानते थे किसको? चिश्ती ऑर्डर को। तो देखिए एक ओवरव्यू आपके लिए हो गए तैयार, है ना। अब आपने देख लेना है आपने किस तरह से नोट्स बनाने हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप लिख ही लें, मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है। एंड एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, अभी तक मैंने पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स, नेशनल मूवमेंट के हैंड रिटन नोट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स की वीडियोज़ कंप्लीट कर दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, राइट। और देखिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है, तो अगर वो नोट्स आपके काम आते हैं तो मैं बहुत मतलब अच्छा फील करूंगी कि मेरे नोट्स किसी के तो काम आए। सो मुझे ज़रूर बताएं कि अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मैं इस सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करूं और एक और सब्जेक्ट साथ में लगाऊं। बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, मुझे भी ऐसा होता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा के उसके नोट्स बना बना के बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा चेंज चाहिए होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, बट फिर वो सब्जेक्ट पूरा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बन सकता है ना, पूरा सीरीज़ में फिर सही रहता है, मेरा भी रिवीजन हो जाता है आपका भी हो जाता है रिवीजन, है ना। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलली डिस्कस करेंगे भक्ति मूवमेंट के बारे में, उसका थीम क्या था उसके बारे में, और जो भी इम्पॉर्टेंट जो मेन पीपल थे जिन्होंने, संत कबीर हो गए, है ना,
और भी जैसे मीरा बाई हो गए, तो इन सब पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिखिज़म के बारे में। सिखिज़म में भी देखिए 10 सिख गुरु आपके आते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो में हम 5 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ें, नेक्स्ट में हम 5 के बारे में पढ़ें, और फिर आफ्टर सिक्स आता है वो रंजीत सिंह, उसकी भी अलग वीडियो बनेगी। तो आप बस साथ में बने रहिए। रिलीजियस मूवमेंट थोड़ा सा 5-6 वीडियोज़ का हो सकता है, बट आपका सारा सारा कंटेंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।